नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम, जय सियाराम, जय गो माता की। आप सभी का स्वागत है आपके अपने गोवर्धन आयुर्वेदा में। हम यहाँ पर जो जानकारी आपके साथ साझा करते हैं उसको पहले प्रयोग करते हैं, और प्रयोग करने पर हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है तो आपके साथ साझा करते हैं। हमारा आज का जो विषय है वो जुड़ा हुआ है कैंसर से संबंधित। कैंसर काफ़ी प्रकोपित रोग है। इस समय पर हमारे खान पान की वजह से और जो चीज़ें हम बाहरी तौर से प्रयोग करते हैं, यहाँ तक दवाएं, उनके अंदर एक तत्व मिला जाता है बेंजोवे। यदि वो ठीक मात्रा में हो तो वो दवा है, लेकिन यदि उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वो हमारे लिए कैंसर जैसे रोग उत्पन्न करता है। और उसको जो है दवाइयों में, खाने की वस्तुओं में, चिप्स है, ब्रेड है, यहाँ तक कि आजकल तो होटल वाले पकौड़ों में, समोसों में भी उसको जो है डालना शुरू कर दिया, रोटियों में भी डालना शुरू कर दिया है, सब्जियों में भी डालना शुरू कर दिया है, दूध दही में भी डालना शुरू कर दिया है, ताकि लंबे समय तक उनको खराब होने से बचाया जा सके। ठीक है, वो सड़ने से तो बच जाएंगे, लेकिन उसके ज़्यादा डालने की वजह से आपके शरीर के अंदर ऐसे विकार उत्पन्न होते हैं जिससे कैंसर जैसे रोग का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले, सबसे ज़्यादा डिब्बा बंद जो प्रोडक्ट हैं, जूस वगैरह हैं, उनका प्रयोग करना आप कम से कम करो। ब्रेड, बिस्कुट, पकोड़े ये बाहर से कम खाओ। कभी समोसे बनाने की इच्छा हो या पकोड़े बनाने की इच्छा, जो भी हो घर पे बनाओ, शुद्ध तेल, शुद्ध घी में बनाओ, वो खाओ, आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। तो आज का हमारा जो विषय है कैंसर, कैंसर के अंदर 4-5 पौधे बताऊँगा जो आपको ज़बरदस्त जो है रिजल्ट देंगे, बहुत अच्छा परिणाम देंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, आयुर्वेद ने हर रोग के लिए 3 अवस्थाएं निर्धारित की हैं। चाहे आपको खांसी हो, जुकाम हो, नज़ला हो, सिर दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, कहीं भी कोई भी दर्द आपके शरीर में, कोई भी विकार हो, उसको सिर्फ 3 अवस्थाओं में आयुर्वेद ने जगह दी है। पहला साध्य, दूसरा कष्ट साध्य और तीसरा असाध्य। जो साध्य होते हैं वो थोड़ी सी दवा लेने पर स्वस्थ हो जाते हैं, जो कष्ट साध्य होते हैं तो वो लगभग 6-7 महीने, 1 साल तक दवा लेने पर स्वस्थ हो जाते हैं। जो असाध्य होते हैं उनको सारी उम्र दवाई के साथ साथ जीना होता है। यानी यदि कैंसर जैसा रोग किसी को है, यदि वो शुरुआत है तो वो साध्य है, तीसरी चौथी स्टेज पे है तो वो कष्ट साध्य है, और भी ज़्यादा बिगड़ चुका है तो वो असाध्य है। लेकिन कुल मिलाकर के आयुर्वेद आपको ये सांत्वना देता है कि आप साध्य हो, असाध्य हो या कष्ट साध्य हो, रोग आपको मार नहीं सकता। आप अपने परहेज के द्वारा, परहेज रखते हुए या दवाई का सेवन करते हुए लंबे समय तक अपना जीवन जी सकते हो, लेकिन कैंसर आपके प्राण नहीं ले सकता। कैंसर नहीं, कोई भी रोग, ये आयुर्वेद का कथन है। और आयुर्वेद के आधार पर ही जो है मैं आपको आज यहाँ जानकारी साझा कर रहा हूँ, और आपसे अनुरोध करूँगा कि कम से कम एक शेयर ज़रूर कर दें, ताकि जो लोग इस परेशानी से पीड़ित हैं वो इसका लाभ ले सकें। तो मैं बताता हूँ, पहला जो पौधा है वो तुलसी का है। तुलसी का अर्क बनाओ, लगभग आप ले आओ 250 ग्राम तुलसी के पत्ते, उनको जो है कूट करके 2 किलो पानी में डाल दो, और उसका 1/2 किलो अर्क निकाल लो, वो तुलसी का अर्क हो गया। तुलसी का अर्क कैसे निकाला जा सकता है वो जो है मैं आपको, आप मुझे संपर्क कर सकते हो 9801731000 व्हाट्सएप नंबर पे, मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि आप बड़े बड़े यंत्र लेके आने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपके घर पे ही आप उसको बना सकते हो। बस आपके घर पे 3 बर्तन होने चाहिए, एक भगोना हो, टोपिया हो, 2-4 थालियाँ हो, और एक नीचे सिलेंडर हो, चूल्हा हो, लकड़ी की गैस हो, कैसी भी एडजस्ट आप कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे लगाओ। दूसरा मकोए अर्क, मकोए अर्क का 50-50 ग्राम मकोए अर्क सुबह शाम दोपहर 3 बार लेना होता है। मकोए अर्क भी उसी विधि से बनेगा जिस विधि से आपका तुलसी अर्क बनेगा। उसके बाद आ गया कांचनार, कांचनार और पुनर्नवा। कांचनार की जो है आपको लगभग 10 ग्राम कांचनार और 10 ग्राम पुनर्नवा सुबह शाम काढ़ा बना करके 2 गिलास पानी में डाल दो, शाम को भिगो दो, सुबह उसको खूब उबलने दो, इतना उबलने दो वो जो है आधा पानी शेष रह जाए,
और अब उनकी आधा गिलास शेष रह जाए और उसको छान करके जो है ठंडा करके पी लो। ये हो गया कांचनार और पुनर्वा काढ़ा। इसी के साथ कांचनार बृहद कांचनार घनवटी किसी वैद्य से बनवाना, किसी फार्मेसी के चक्कर में मत पड़ना। ये जो है चार सुबह और चार शाम को लेनी है आपको। कैंसर जैसे रोग के लिए बड़ी ही चमत्कारी दवा है। ज़्यादा नहीं कहूँगा, कम से कम 150 लोगों को हमने इसको दिया है। सभी लोग अच्छा जीवन जी रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी जिनकी दवाइयाँ बंद कर दी हैं, बहुत अच्छे उनको परिणाम मिल रहे हैं। इसकी जो है कैंसर जो है बिगड़ने के बाद समस्या खड़ी करता है। और दूसरी बात, आपके मन में यदि कोई विचार आया हो कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं, इतने बड़े बड़े मेडिकल नहीं ठीक कर पा रहे हैं, तो ये कैसे कर देंगे, तो मैं आपको बता दूं, जो एलोपैथी है बहुत अच्छी चिकित्सा पद्धति है एमरजेंसी के लिए, लेकिन उसके अंदर एक समस्या है। जो एलोपैथी है वो आपके रोग को दबाने का कार्य करती है, और आपके रोग को दबाने के लिए मान लो आपके गांव में 10 दुश्मन आ गए और एक घर में घुस गए, और उस घर में 5 आपके मित्र भी हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला तो ये है कि आप अपने मित्रों को भी को बचाओ, वो मरते हैं या नहीं मरते वो बात करने से। दूसरा ये है कि वहाँ बम फेंक दो, दुश्मन भी चले जाएंगे और आपके मित्र भी चले जाएंगे। लेकिन आयुर्वेद बम फेंकने पर विश्वास नहीं करता। आयुर्वेद विश्वास करता है कि उस घर के अंदर आपके मित्रों की संख्या बढ़ाई जाए। वो 10 हैं और आपके मित्र यदि वहाँ 50 हो जाएंगे तो उन 10ों को खदेड़ने में कामयाब हो जाएंगे। यानी किसी के अंदर यदि कैंसर का बैक्टीरिया है तो उसके अंदर कैंसर से लड़ने वाले जो जीवाणु हो उनको ताकत दी जाए, उनकी संख्या बढ़ाई जाए, तो वो कैंसर के बैक्टीरिया को खाने में समर्थ हो जाएंगे, उसको भगाने में समर्थ हो जाएंगे। आयुर्वेद इस पे काम करता है, और इसीलिए जो है आयुर्वेद का रिजल्ट है 100% है और एलोपैथी का 100% नहीं है। लेकिन मैं फिर भी किसी भी चिकित्सा पद्धति का विरोध नहीं करता। समय अनुसार यदि आपके सामने कोई परिस्थिति ऐसी है कि आयुर्वेद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है या एलोपैथी का उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट है, तो आप एलोपैथी को ले सकते हो। लेकिन आप आयुर्वेद को कमज़ोर ना समझो, ये मैं आपसे प्रार्थना करूँगा। क्योंकि अभी जो कोरोना काल आया था, जब सभी चिकित्सा पद्धतियों ने घुटने टेक दिए थे, उस समय पर हमारा आयुर्वेद ही सामने आया था, और आयुर्वेद के बिल्कुल 1% जानने वाले मेरे जैसे व्यक्ति भी उसको स्वस्थ करने में, कोरोना को दूर करने में कामयाब हुए थे। और अब जो गौ माता के ऊपर लंपी स्किन डिजीज जो रोग आया है, इसके अंदर भी जो है हमारा आयुर्वेद ही कामयाब हुआ है, एलोपैथी यहाँ कामयाब नहीं हुई है। हाँ, अब हालांकि आने वाले समय में एलोपैथी भी इसका ट्रीटमेंट ज़रूर खोज लेगी, लेकिन आयुर्वेद कमज़ोर नहीं है, कैंसर जैसे बैक्टीरिया को स्वस्थ करने में 100% कामयाब है। और आप इस वीडियो को शेयर करिए ताकि यदि किसी को भी ऐसी कोई परेशानी है तो वो इसका लाभ ले सके। ऐसी जानकारी हम आपके साथ आगे भी साझा करते रहेंगे, आप हमसे जुड़े रहिए। यदि फेसबुक पे हैं तो फॉलो बटन दबा करके पेज को फॉलो कर लें, और यदि आप यूट्यूब पे हो तो यूट्यूब पे जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जो है हमें हमसे जुड़ जाइए। नमस्कार। वंदे मातरम। जय सियाराम।